अगर तुम चाहती हो कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक ना दूं, चली जाओ यहां से। वहां मार्केट में गुल की कॉल थी ना? नहीं। अच्छा झूठ मत बोलो गुलजार, मैं जानता हूं तुमने गुल का नंबर जेबा भाभी के नाम से सेव किया हुआ। तुम जब तक गुलजार का जिक्र करते रहोगे मैं भी दूसरों के शौहरों की तारीफें करती रहूंगी, जो करने कर। जी बाबा पूछे। पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तो गुल तुमसे मिलने आई थी? कहीं नहीं। तो फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कुछ सोच रही थी। अच्छा अब छोड़ो, ये बताओ आइसक्रीम खानी है? नहीं। फालूदा खाने को दिल चाह रहा है। ठीक है तो तुम्हें जबरदस्त फालूदा खिलाता हूँ। चलो, शौक है तुम्हें हर दूसरी लड़की से निकाह करने का। डैड वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लड़कियों के साथ जो मामलात हैं उनको अफेयर तक रखो, हर दूसरी लड़की के साथ निकाह करने बैठ जाते हो। मैंने निकाह नहीं किया डैड, वो मेरी बस एक अच्छी दोस्त थी। हाँ मैंने शादी का कहा था पर मैंने की नहीं। और वो जो तस्वीरें दिखा रही थी सब लोगों के सामने, वो क्या था, झूठ था वो भी? मॉम वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। हाँ हम यूं ही घूमने के लिए गए थे और उन्हीं तस्वीरों को वो हनीमून का नाम देकर मुझे फंसा रही है। जो भी है इस मामले को निपटाओ जिस तरह भी हो, अगर महजुबीन के घर वालों को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। नाक कटवा दी तुमने हमारी, सब पूछ रहे थे वो लड़की कौन है। ये नाक तब तो नहीं कटी थी मॉम जब डैड ने दो शादियां की थी। अच्छा तो अब तुम मुझसे मुकाबला करोगे? डैड मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रहा, आप बिना वजह फस क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से हमें महजुबीन के घर वालों से झूठ बोलना पड़ा, ये कहना पड़ा कि हमारे खिलाफ साजिश है। Whatever it is, just get rid of her. अरे गुल कैसी है तू? ठीक हूँ। हम लोग तुझे ही याद कर रहे थे। माँ बा कहाँ हैं? वो लोग अंदर मेहमानों के साथ बैठे हैं। मेहमान? कौन से मेहमान? कुछ लोग आए मुझे देखने। अच्छा हुआ तू आ गई, अम्मा कब से तुझे फोन कर रही थी लेकिन तूने फोन ही नहीं उठाया। चल अब अंदर चलते हैं, तू उनसे मिल लेगी तो वो लोग मजीद मरूब हो जाएंगे। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोग हमारे घर आए हैं। आप फिक्र ना करें, जैसे आपने कहा ना वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह। अरे गुल तू, अरे अभी भी तेरी बातें हो रही, बड़ा अच्छा किया बेटा। आजा बैठ जा। अरे बैठ जा ना बेटा, ये तेरी बहन की होने वाली सास है, कोई पराई थोड़ी है। ये हमारी दूसरी छोटी बेटी है गुल, जिसका जिक्र कर रहे थे आप। अच्छा माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जी जी माशाल्लाह, मेरी बड़ी अच्छी बेटी है जी, बहुत अच्छी बेटी। और शुक्र अल्लाह का मेरा दामाद भी बहुत अच्छा, बड़ा नेक लड़का मिल गया हमें। माशाल्लाह उसकी अपनी फैक्ट्री है, अपना कारोबार है उसका। अच्छा माशाल्लाह। अम्मा बात करनी है। हाँ हाँ बेटा करते हैं बात। अच्छा तुम बताओ कुछ खाओगी? नहीं। गुल बेटा आज बेटे साथ नहीं है? नहीं वो बाहर गए हैं। अच्छा। वो मैंने आपको बताया था ना कि वो बाहर गया हुआ है, पहले ये भी उसके साथ गई थी, अब उसका बिजनेस ही ऐसा है उसे बार बार बाहर जाना पड़ता है। आप लोग चाय पीजिए ना। ये लीजिए चाय पीजिए।
लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। लो बेटा। वो तेरे लिए चाय बनाओ बेटा। अच्छा भाई अब हम लोग चलते हैं। अच्छा जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बेटा तुमने टैक्सी बुक करा दी? ओह मैं भी करवाती हूँ। बहन जी टैक्सी मंगवाने की क्या जरूरत है, मेरी बेटी गुल है ना ये छुड़वा देगी। क्यों बेटा? ठीक है मैं भी आई। अरे भैरी इसकी क्या जरूरत थी, हम लोग चली जाती टैक्सी आ ही जाती। अरे अपने अपनों के काम आते हैं, इसमें तकल्लुफ कैसा और इसमें कौन सी बड़ी बात है। लो आगे हैं, तू भी साथ जा रही है? हाँ। बेटा वो ड्राइवर के साथ भिजवा दो ना। नहीं मुझे देर हो रही है, जरूरी काम भी था। तो ये क्यों साथ लेके जा रही हो, इसमें क्या है? बेकार सामान। बेटा यही रहने दो है? साथ ले जाने के लिए लेकर आई थी। आजा। अच्छा बहन। अच्छा जी खुदा खुदा हाफिज। अच्छा बेटा। अच्छा। गुल बेटा मैंने सुना है कि आपके मियाँ की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जी वैसे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता पर क्या करूं, क्या मेरी बेटी की नौकरी के लिए आप अपने मियाँ से बात कर सकती हैं? दरअसल वो जहाँ पे अभी नौकरी करता है ना वहाँ पैसे कुछ अच्छे नहीं मिलते। अब आपकी बहन से रिश्ता तय हो जाए और एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी उन दोनों की, आपकी बहन की भी और मेरे बेटे की। करूंगी ना बात अपनी मियाँ से। से पूछ कर बताऊंगी, मुझे इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं, वो आएंगे तब भी उनसे बात करूंगी। अच्छा बेटा ठीक है जीती रहो। ये लीजिए चाय। अरे वाह इसी की तो शदीद तलब हो रही थी अभी। मैं जानती थी इसीलिए लेकर आई। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय की तलब हो रही? मैं आपकी शरीक हयात, अगर मैं आपकी पसंद ना पसंद का ख्याल नहीं रखूंगी तो मेरा क्या फायदा? तुम भी ना। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हूँ? कहो, रुक क्यों गई? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस बात पर? जिस तरह से आज आपने मुझे बाबा के सामने सपोर्ट और डिफेंड किया है इसलिए। तुम ऐसी मामूली बातों पर मेरा शुक्रिया अदा करती हो, कोई गैर तो नहीं हूँ जो इस तरह शुक्रिया अदा कर रही है? ऐसी बात नहीं है, जिस तरह से आपने मुझे डिफेंड किया मुझे बहुत अच्छा लगा। गुजार मैं तुम्हें किसी और के सामने शर्मिंदा होते नहीं देख सकता, और मैंने कोई तुम पर एहसान नहीं किया, शौहर हूं तुम्हारा, शौहर होने के नाते अपना फर्ज निभाया। ऐसा
मेरे साथ क्यों हो रहा है? नहीं सोच सकती थी इतना बड़ा धोखा, आदिल आदिल ने इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया? किससे बात करूं? किससे बात करूं? अम्मा के घर भी नहीं जा सकती, अपनी बड़ी होती है उनको पैसे 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 चाहिए वो सबको। किससे बात करूं? कौन हो सकता है जिससे बात करूं? गुलजार एक वही है, वही है जो इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगी। गुलजार ही है। अब नहीं गुरु, अब नहीं। तुम्हारी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी है मुझे। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब तुम भी मुझसे कतराने लगी गुलजार, समझती क्या हो खुद को? जब जब तुम्हें जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे साथ, लेकिन आज हेलो आदिल, बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया था गुल तुमने मेरे लिए आज, आज तो तुमने ये कर दिया। आइंदा ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। तुम मैं आऊंगी, मैं तुम्हारे घर में आऊंगी, तुम्हारी बरात पर भी आऊंगी, आके सबको निकलामा दिखाऊंगी, हमारी शादी में सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी, आऊंगी, जितना रोकोगे आऊंगी। क्या कहा तुमने? निका नाम है भी तुम्हारे पास के नहीं? कर रही हो? कुछ नहीं, मेरा पासपोर्ट है, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मेरे और हमारा निका नामा, संभाल के रख रही हूँ। वहाँ कहाँ रख रही हो? मुझे दे दो, इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आगे पीछे हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ सही, मैं इनको अपने पास सेव कर देती हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतने घटिया, इतने धोखेबाज निकलोगे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने कोई नहीं देखा। कुल कुल मेरी बात सुनो,
मेरे पास इस फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। देखो महाजबीन से तो मुझे शादी करनी है, वो मेरी खानदानी बीवी होगी। अगर तुम खामोशी से इस फैसले को कबूल करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आता रहूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं मर जाऊंगी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, पहले मेरी बात सुनो। अगर चाहो तो इस फैसले को खामोशी से कबूल कर सकती हो, और अगर तुम्हें ये फैसला कबूल नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम वापस अपने माँ बाप के पास जा सकती हो, उसी मोहल्ले में। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर अलग होना। मास्टर, मैं तो तुझे बड़ा गैरतमंद समझता था। अरे मेरी बेटी चोरनी थी ना, तुम्हारे घर से जेवर चुरा के ले गई। अरे इतनी बुरी थी मेरी बेटी तो फिर तेरी बेटी क्यों मिलती है मेरी बेटी से? मेरी बेटी नहीं मिलती तुम्हारी बेटी से। मिलती है इसलिए कि उसको पता चल गया है कि उसका ब्याह बड़े घर में हुआ है। पैसे देख के तेरी बेटी की राल टपकने लग पड़ी है। बंद कर अपनी जबान। मैं क्यों बंद रखूं अपनी जबान? हैं? तू मेरी बेटी के बारे में बोली और मैं चुप रहूं? अरे जलती है तेरी बेटी मेरी गुल से। अरे मैं तो तुझे बड़ा गैरतमंद समझता था, तेरी बेटी को भी। कहां गई मास्टर तेरी गैरत और तेरी बेटी की गैरत? तुम्हारी गैरत कहां गई? ये घर से भागी हुई बेटी को सीने से लगा लिया? अरे मास्टर तेरी दुकान पे मेरी बेटी है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि तू खुद क्या है। दुकान बंद कर, क्लास करते। आदिल, तुम अच्छी तरह जानते हो किस किस्म के लोग हैं। उन लोगों के लिए कुछ भी पता करवाना 2 मिनट का काम है। इससे पहले कि कोई और मुसीबत खड़ी हो, हनीमून पे जाने से पहले उस लड़की को कुछ दे दिलाकर फारिग करो। ए गुलजार, जल्दी करो, ऑफिस को लेट हो रहा हूँ। बस आ गई। 5-10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, सब्र कर लो थोड़ा। आप तो बंदे का दम ही निकाल देते हैं, थोड़ा सा सबर कर लिया करें। मैं भी यही समझा रही थी इसे। हेलो हेलो गुलजार बेटा, मैं रफाकत चाचा बोल रहा हूँ। रफाकत चाचा, कैसे हैं आप? सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है मास्टर साहब, जख्मी हो गए हॉस्पिटल में। क्या बाबा जख्मी? कैसे? हाँ बेटा, बस उनका झगड़ा हो गया था, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जी जी जी, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ अंकल? बाबा का किसी के साथ झगड़ा हुआ है, वो हॉस्पिटल में। या अल्लाह खैर। तो चलो मेरे साथ चलो, अभी चलते हैं अस्पताल। मैं जल्दी से चादर लेकर। जल्दी आओ जल्दी। बेटा परेशान नहीं होना, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक। और मोटरसाइकिल जरा आहिस्ता चला। चलो
जल्दी आ जाओ। चाचा बाबा कहाँ हैं? बाबा बाबा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ इन्हें? आपके वालिद बिल्कुल ठीक हैं, खतरे की कोई बात नहीं, जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, बस कुछ वीकनेस हो गई थी। परेशानी की कोई बात नहीं है गुलजार, डॉक्टर बता तो रहे। बैठो बैठो बैठो। पाकर चाचा बता रहे थे कि आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, किसके साथ हुआ? कुछ नहीं, किसी से नहीं, खम खम बताए ना बाबा, किसके साथ हुआ है झगड़ा? ओ किफायत के साथ। किफायत चाचा, क्या कहा है उन्होंने? तुम्हारे बारे में खाम खा फजूल की बातें कर रहा था। मेरे बारे में? हाँ, कह रहा था कि तुम वो तुम गुल से जलती हो तो, और तुम उसके पैसे के पीछे हो, इसलिए उससे मिलती हो, बातें करती हो। बात गुल के अबू ने ये कहा है मेरे बारे में? समझते क्या है वो लोग खुद को? उनको क्या लगता है कि मैं रास्ते में कोई गिरी पड़ी हूँ, कोई लालची हूँ जो उनके पैसे के पीछे भागूंगी? गुलजार गुस्सा मत कर, जानती तो हो तुम उन लोगों को। नहीं रे के गुल अपने आप को क्या समझ रही है, उसके घर वाले क्या समझ रहे हैं, कुछ भी बोल देंगे मेरे बारे में। मैं इसीलिए तुम्हें पहले ये बातें बता रहा हूँ ताकि आइंदा के लिए तुम मुहतात हो जाओ। की बात में उस गुल की शक्ल तक नहीं थी, कभी नहीं मिलूंगी उससे, मर गई मेरे लिए वो। देखें सारे, खाना लगा दूं आपके लिए? भूख नहीं। आपने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लीजिए। मैंने कहा ना भूख नहीं, जाओ। मेरी किस्मत में सिर्फ रोना ही रह गया है, कितना रोऊं मैं मस्की। आदिल को भी मेरी कोई परवाह नहीं है, शादी कर रहा है वो आज, शादी। Thank you.
तुझे भी किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए गुल। जब सब लोग इतने खुदगर्ज, इतने बेहस हो सकते हैं, तो तू क्यों नहीं? तू क्यों नहीं बन सकती उन लोगों जैसी? खुदगर्ज, बेहस। गुल बात कर रही हूँ। गुल, तू? हाँ मैं। एक काम पर के है। मिल सकता है? तुझे क्या हो गया? क्यों रहे हो? ये वक्त भी आना था तेरे पर कि तू बुर्का पहनना शुरू हो जाएगी। कोई पहचान ना ले इसलिए पहना बुर्का। ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? असल बात ये है कि तूने बुर्का इसलिए पहना है कि तू नहीं चाहती कि कोई तुझे मेरे साथ मिले। अच्छा, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इतनी मजहबी और दीनी तू है नहीं कि बुर्का पहनना शुरू हो जाए। कर ले जलील, तू भी उड़ा ले जितना मजाक उड़ाना। तेरी तरफ भी तो बहुत सारे उधार निकलते हैं ना मेरे। मैंने धोखे दिए तूने मुझे, इतना तो बनता है ना मेरा। क्या हो गया है गुल, रो क्यों रही है? बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ, शायद किसी की बद्दुआ लग गई है। अरे बता तो सही, हुआ क्या है? ये तो वादा कर, वादा कर तू किसी को कुछ नहीं बताएगा।
मोहल्ले में किसी से कुछ बात नहीं करेगा इस बारे में। कैसी बातें कर रही है, मैं क्यों बताऊंगा? बता क्या हुआ? तेरी बात अच्छा है। कैसी मदद? हम लोग तो आपको बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, कहाँ रह गए थे आप लोग? बस हम लोग को ट्रैफिक तो आपको पता है ना, आजकल इतनी हो गई है कि जहाँ निकलना हो आधा घंटा पहले निकलो। हाँ ये तो है, और वैसे ये बहुत तकल्लुफ किया आप लोगों ने। अरे बस रसम है, आपको तो पता है साला साल से चलती आई है। जी जी ये तो है। वैसे माशाल्लाह मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है, बस अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए। आपकी बेटी जब से हमारे घर आई है ना, हमारी घर की रौनक मजीद बढ़ गई है। माशाल्लाह से मेरी बेटी तो है ही ऐसी, जहां जाती है वहीं तवज्जो का मरकज बन जाती है। बेशक अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं है, और जो कुछ हमारा है वो सब हमारी बेटी का ही तो है। माशाल्लाह, बस अल्लाह से एक ही दुआ थी कि एक अच्छा लड़का और एक अच्छी फैमिली मिल जाए, तो आप लोग मिल गए। शुक्रिया। हालांकि साजिशी लोगों ने बीच में फूट डलवाने की तो बहुत कोशिश की, मगर एनीवेज। आदिल बेटा आप क्यों खामोश हो, आप भी तो बोलो। भाई ससुराल आया ना तो शर्माएगा ना थोड़ा सा। बस मैं जबीन, अब मेरा बेटा जो है ना वो तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ना इसका ख्याल रखना है, इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर है बेटा। हाँ ये देख लेना कहीं यहाँ वहां ना जाए। ये कहीं नहीं जाएगा भाई, कहीं नहीं जाएगा, बल्कि अभी दोनों जाएंगे हनीमून पर। मैंने सारा इंतजाम करवा दिया है, एक सरप्राइज है। आपके प्लेन के टिकट बुक हो चुके हैं, रिजर्वेशंस हो गए हैं, होटल के रिजर्वेशंस हो गए हैं, जहाज के रिजर्वेशन हो गए, पर यू हैव अ बिग सरप्राइज। वाओ, फजीलत आई थी मेरे पास, मैंने तो उसे बहुत समझाया कि ताली दोनों हाथों से बजती है, जब तुम उसको इतनी बातें सुनाओगी तो वो तुम्हारी इज्जत कैसे करेगी। बस अल्लाह तौबा है, उस लड़की की जबान इतनी तेज है, ऐसे दुबदु चलाती है, आजकल की लड़कियों को तो शर्म का लिहाज ही नहीं है। फिर बेटे ने पसंद की शादी कर ली है और तुम उसको घर भी ले आई हो, तो दिल से तस्लीम भी तो करो। हर बात में उसके नक्स निकालती है तो इज्जत कैसे करेगी वो। आजकल की लड़कियां कहां बर्दाश्त करती हैं, आपने कुछ अच्छी बात समझाओ ऐसा जवाब तड़ाक से देती हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इस तकल्लुफात की क्या जरूरत थी? अरे खाला आप हमारे घर आए, कुछ खाए पिए बगैर जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? रजिया कोई खुशखबरी है बहू की? अरे तुमने भी अजीब बात की, इतना अरसा हो गया शादी को, डॉक्टर को चेकअप वगैरह करवाओ, हो सकता है कोई नुक्स हो। अभी वक्त ही कितना गुजरा है शादी को, और मैं इसलिए बहू ब्याह कर थोड़ी लाई हूँ कि उसके आते ही औलाद की ख्वाहिश शुरू कर दूं। अरे भी इसकी शादी से कुछ अरसे पहले फजीलत की बेटी की शादी हुई थी, उसके घर तो खुशखबरी आ गई। अल्लाह मुबारक करे फजीलत को भी और उसकी बहू बेटे को, लेकिन मुझसे इस बात की तवक्को नहीं रखी। अरे गुलजार मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, मेरे घर की रौनक है, और रही बात औलाद की, वो भी हो जाएगी जब अल्लाह चाहेगा, मुझे इसकी फिक्र नहीं। तुम खुश रहो। आदिल तुमने उस लड़की को फारिग कर दिया या नहीं? मॉम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा रिश्ता हो या ना हो, उस लड़की का फौरी तौर पर कुछ इंतजाम करो। Give me some time. मैं करता हूं कुछ ना कुछ। How much more time do you need? इसे तो छोड़ो। Do you realize how serious this matter is? I do understand. लेकिन आप लोग इस बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? हम बड़ा इशू नहीं बना रहे, तुम बहुत इजी ले रहे हो। तुम्हें अंदाजा है माँ जबीर और इसकी फैमिली को पता चल जाएगा तो क्या मुसीबत आ सकती है? कुछ पता नहीं चलेगा, मैं उन्हें पता लगने नहीं दूंगा।
और तुम क्या समझते हो कि तुम पता लगने नहीं दोगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा? आदिल, तुम अच्छी तरह जानते हो किस किस्म के लोग हैं। उन लोगों के लिए कुछ भी पता करवाना 2 मिनट का काम है। आदिल, इससे पहले कि कोई और मुसीबत खड़ी हो, हनीमून पे जाने से पहले उस लड़की को कुछ दे दिलाकर फारिग करो। अरे आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, एक मिनट सब्र तो करो। अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस बात पे? जिस तरह से आपने आज खाला के सामने, अब तुम इन बातों का शुक्रिया अदा करोगी? गैर समझती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने जिस तरह से आज मुझे डिफेंड किया है, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। वो लोग डिफेंड नहीं करते जो बहू ब्याह कर लाते हैं। मैं बहू ब्याह कर नहीं लाई, मैं बेटी ब्याह कर लाई। औलाद का होना ना होना ये सब तो अल्लाह के हाथ में। मैं या कोई और कौन होते हैं भला अल्लाह के कामों में बात करने वाले? और तुम भी ये सोच सोच के परेशान मत हुआ करो, जब होना होगी हो जाएगी औलाद। परवाह मत क्या करो लोगों की बातों की। अरे बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी सोच ही रही थी कि तुझे फोन करूं। क्या हुआ, सब खैरियत है? हैं? अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकती फोन में। अच्छा ये बता, वो आदिल क्यों नहीं आया तेरे साथ? वो जरूरी काम से बाहर के मुल्क गए हैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुझे ना एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। क्या हुआ? मास्टर साहब है ना, तेरे अब्बा के साथ झगड़ा हो गया उनका और वो जख्मी हो गए। अब्बा के साथ? लेकिन क्यों? अरे होना क्या है, तेरे बारे में ऐसे फजूल बकवास कर रहे थे। मेरे बारे में क्या कह रहे थे? यही के घर से भागी हुई बेटी को फिर से गले लगा लिया, बड़े बगैरत है हम लोग। ये मास्टर साहब ने कहा है? उनकी हिम्मत कैसे हुई है मेरे बारे में फालतू बकवास करने की? अभी कॉल करती हूँ गुलजार, मैं पूछती हूँ भूल गए हैं अपनी औकात? अरे रहने देना, दफा कर तू। और तू भी ना आइंदा गुलजार के साथ कोई रابطہ ना रखना। तू मुझे बात करने दे, इनको इनकी औकात तो याद दिलाऊं। अरे छोड़ ना बेटा, मैंने कहा ना दफा कर, रहने दे। अच्छा तू ये बता कि गाड़ी में नहीं आई, छोड़ के चली गई तुझे? वो गाड़ी का कुछ काम होना था तो इसलिए टैक्सी में आना पड़ा। तो टैक्सी में आई है? तू तो कह रही थी कि आदिल के पास बहुत सारी गाड़ी है। हाँ गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सारी एक साथ ही मरम्मत के लिए भेजती है। अच्छा सारी गाड़ियाँ एकदम से खराब होगी?